हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। बंगाल का दुर्गा पूजा का पैंडल, दुर्गा माता की मूर्ति नवरात्रि में आप कभी देखे हो? ऑब्वियसली आप वेस्ट बंगाल का हो तो हर साल देख चुके होंगे, और अगर आप नॉन बंगाली हो तो शायद नहीं। आप बंगाली हो या फिर नॉन बंगाली, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारी पॉपुलर फेमस बेस्ट लाविंग दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा की पैंडल, दुर्गा माता की मूर्तियाँ, और हम कैसे दुर्गा पूजा को एंजॉय करते हैं, और एक मंडप से दूसरा, दूसरा से तीसरा, हम पूरा दिन पूरा रात घूमते रहते हैं। चलो, कीचड़ बहुत है बारिश की वजह से, क्या बढ़िया है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अभी 3 बज रहा है, इट्स टाइम ओनली 3 PM, बट अभी से रास्ते पे सारे लोग मंडप देखने के लिए आ रहा है, हम भी आ गए। ये हमारे विजिट किया हुआ पहला पैंडल, हम दोनों और ये मेरे एक भाई है। चलो अभी नेक्स्ट पैंडल में विजिट करते हैं। विजिट किया हुआ दूसरा पैंडल पटना बाजार का, देखिए कितना बढ़िया पैंडल किया है, लेकिन बारिश के वजह से इतना कीचड़ कीचड़ भर गया चारों तरफ। देखो पानी पूरी का स्टॉल कितना बैठा है। चलो चलो, ये हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। ये देखो माँ दुर्गा को, ये देखिए गैस, हम लोग पैंडल विजिट करके आ गए, अभी हम लोग मैडम के लिए वेट कर रही है। देखो आप लोग दोबारा दिखा देते हैं पैंडल, ये मैडम आ गई। ये प्रणाम करने में हर जगह लेट कर देती है। चलो चलो नेक्स्ट दूसरे में चलते हैं। अलग मंडप में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये रॉयल बंगाल टाइगर किया है, टाइगर का सेप में पैंडल है, मतलब हम टाइगर की पेट में जाएंगे अभी। चलो अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। ये एक पंडाल है जिसमें पेंटिंग देके सजाया गया है इसको। ये देवी का मूर्ति, ये हमारा चौथा या पांचवा पंडाल याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। चलो कीचड़ बहुत है बारिश की वजह से। अंदर चलते हैं माता का दर्शन करके।
बढ़िया है। चलो यही से जाते हैं दूसरे पेंडल में। चलो दूसरे पेंडल में जाते हैं। गाइस हम तो जा रहे हैं नेक्स्ट पूजा मंडप में, लेकिन नेक्स्ट पूजा मंडप अब लोगों को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का वीडियो लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अपनी ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडप पे, दैट इज नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय। ये हम और एक पेंडल में आ गए। ये देखो आप कैमरा के सामने पहले बैठ गए कुर्सी में, थक गए। ये देखो पीछे माँ दुर्गा का और एक मूर्ति।